हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इन पॉइंट्स से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड इस बार के लिए भी ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसे मैंने खुद सेलेक्ट करके इस जो है वो एक स्टेप एक सीरीज़ करके बनाया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एंड आज के दिन जो है वो 3-4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सो इस जो है वो आप एनी टाइम तैयार रहिएगा, वीडियो कभी भी आ सकती है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त हम अपनी वीडियोस में डिटेल्स शेयर करें, बीच में डिस्टरबेंस ना हो, आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, और यहाँ पे डैश करके लेवोसिए, यानी कि लेवोसिए जो हैं वो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आपका दो बार पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, और ऑप्शंस में कई वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, साथ ही में लेवोसिए के भी नाम दिए हैं। तो अगर आपको पता है कि लेवोसिए जो हैं वो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, तो आप वहाँ पे लेवोसिए को टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट से दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि BHC का नाम क्या है, BHC, तो BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो आप इसे सही से समझ जाइए, और बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका क्वेश्चन है कि BHC का पूरा नाम जो है वो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपका कि द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है, और ऑप्शंस में दे देगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सारे चीज़ दे देंगे। तो अगर आपको पता होगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा कहलाती है, तो आई होप आप वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके आएंगे ज़रूर, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में हीमांक भी कम हो जाता है। तो अशुद्धियां अगर मिलाएंगे तो उनका गलनांक और हीमांक दोनों कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है कि अशुद्धियाँ जब मिलाएंगे तो हम उसका जो है वो गलनांक कम हो जाएगा, और किसी भी पदार्थ में अगर अशुद्धियों को जो है वो मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। गलनांक और हीमांक कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस याद रखनी है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि कुछ पदार्थ यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले, अगर आप हमारी सभी वीडियोस देखे होंगे तो उनमें से किसी वीडियो में मैं आपको बताया था कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे लें तो हमारा हो जाएगा नौसादर, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कपूर। कपूर को जब आप जलाते हैं तो आप रियलाइज़ करते होंगे कि वो ठोस होता है, लेकिन बिना द्रव अवस्था में बदले वो सीधे भाप यानी कि गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्त। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। देखिए ये दोस्त, यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे दोस्तों एक और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जा भी चुका है कि
कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो जब धातु पूछेगा तो वहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे तत्व पूछेगा तो अब हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि ठोसों में अंतराणु बल अधिक होता है, ठीक है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि ठोसों में अंतराणु बल का मान होता है और ऑप्शंस दे देगा, अधिक होता है, कम होता है, समान होता है और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपने प्रिपरेशन की होगी कि ठोसों में अंतराणु बल अधिक होता है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। ध्यान रखने वाली बात है दोस्त कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, सो ज़्यादा गलत क्वेश्चंस न कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि क्वांटम संख्याएँ 4 प्रकार की होती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। अब दोस्तों यहां पे हम क्लियर करें कि कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि क्वांटम संख्याएँ 4 प्रकार की होती हैं, चारों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर होती है, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है और हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं बंद वृत्ताकार पथ में, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ये 2 साल आपके क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इस चीज़ को आप ध्यान से तैयार करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी और ऑप्शंस में 4 वैज्ञानिक के नाम दे देगा। तो अगर आपको पता होगा कि हेनरी बैकरल साहब ने जो है वो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, तो आई होप आप वहां पे सही क्वेश्चन का टिक करके आएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें कैडमियम की होती हैं, बोरान की होती हैं और भी होती हैं, तो आप उसे ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैडमियम है, तो कैडमियम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो ग्रेफाइट परमाणु भट्टी में विमंदक का कार्य करता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, तो ऑप्शंस में दे देगा विमंदक का, नियंत्रक का, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो अगर आपको पता होगा कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट विमंदक का कार्य करता है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन सही टिक करके आएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कि आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की सबसे अधिक होती है। देखिए आयनाइजेशन प्रॉपर्टी जो होती है, आयनीकरण क्षमता जो होती है, वो अल्फा बीटा और गामा कणों में सबसे ज़्यादा अल्फा कणों की होती है, ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयनीकरण क्षमता अल्फा बीटा और गामा में सबसे अधिक किस में होती है, तो ऑप्शंस आपका दे देगा, तो वहाँ पे अल्फा कण जिस ऑप्शंस में रहेगा वो आप टिक करके ज़रूर आइएगा। यहाँ पे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण द्वारा जो है वो ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी पे हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो कहने का पॉइंट का मतलब ये है। एक और दो बातें यहाँ पे और सीखने को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दो बात आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये दोनों जो पॉइंट्स हैं
उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम याद कर लीजिए कि वो जो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये चीज़ें आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कि संयोजकता शब्द का प्रयोग फ्रैंक लैंड ने किया था। ठीक है, संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंक लैंड ने किया था, तो इस वैज्ञानिक का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कि फिनाफ्थलीन है एक दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन के संबंध में आप याद कर सकते हैं कि फिनाफ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है। तो आई होप दोस्तों ये 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, एंड ये क्वेश्चन मैंने पर्सनली आपके लिए सेलेक्ट किया है। कैसा लगा ये सारे क्वेश्चन हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखनी है तो आप फटाफट हमें कमेंट में बताइए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।